तो बड़ी खबर एक बार फिर आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद सूत्रों के हवाले से यह खबरें सामने आ रही हैं कि चीन की तरफ से द्विपक्षीय मुलाकात का निवेदन किया गया। हालांकि भारत और चीन के नेताओं के बीच में कल सिर्फ बातचीत हुई है, द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से फिर दिया गया इंटरनेशनल मंच पे कि बातचीत तभी संभव होगी जब एक्चुअल स्थिति बहाल होगी एलएसी पर। देखिए प्रिया, बिल्कुल, सबसे पहली बात ये कि चीन भारत के साथ द्विपक्षीय मुलाकात चाहता था और उसका निवेदन चीन की तरफ से किया गया था, लेकिन भारत ने द्विपक्षीय मुलाकात नहीं की है। ब्रिक्स के साइडलाइन में जो लीडर्स लाउंज था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक यह चीन के राष्ट्रपति को बता दिया है कि भारत और चीन के रिश्ते तभी सामान्य हो सकते हैं जब एलएसी का सम्मान किया जाएगा। हालांकि जो विदेश ने बयान जारी किया उसमें यह कहा था कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि तनाव को कम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि और तेजी लाई जाए बातचीत में। तो फिलहाल यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने बातचीत की कोई पहल अपनी तरफ से नहीं की। चीन की तरफ से द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय मुलाकात का निवेदन किया गया था जो अभी भी पेंडिंग है, और ये जो बातचीत हुई है ये अनौपचारिक बातचीत थी और संक्षिप्त बातचीत। बिल्कुल, और वो जेस्चर भी दिख गया था कि भारत इस बार किसी भी स्थिति से समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आप अगर बातचीत चाहते हैं, द्विपक्षीय वार्ता चाहते हैं, तो एलएसी की स्थिति को लेकर के आपको ही आश्वस्त करना होगा। Z News।